नमस्कार, मैं संजय निरुपम हूँ, उत्तर मुंबई से, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई का 16वीं लोकसभा के लिए जो 24 अप्रैल को चुनाव होने जा रहे हैं उसका उम्मीदवार। पिछले 5 वर्षों से मैं इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लोकसभा में सांसद के तौर पर, और 5 वर्षों में मैंने सबसे बड़ा काम ये किया कि सबसे ज़्यादा लोगों के लिए उपलब्ध रहा और बहुत आसानी से लोगों को मिला। किसी तरह की सिफारिश और किसी तरह के अपॉइंटमेंट की कोई जरूरत नहीं, मेरे नियमित तौर पर अपने कार्यालय में बैठकर और लोगों से जितनी गलियां हैं, जितनी झुपड़पट्टियां हैं, जितनी बिल्डिंग हैं, हर बिल्डिंग में, हर झुपड़पट्टी में जाना, लोगों के प्रॉब्लम का समाधान करना। लगभग जो बेसिक अम्यूनिटीज़ के काम होते हैं उसको अगर देखें तो लगभग 1274 शौचालय बना के दिए, 280 के आसपास बिल्डिंग है जिसमें पानी का काम करके दिया, बोरवेल डाल के दिया, कई गार्डन, कम से एक दर्जन से ज़्यादा गार्डन बने, कई रस्ते, कई ये तमाम करने के बाद जो बोरवेल स्टेशन है उसका रीडेवलपमेंट मेरे कार्यकाल में हुआ, मेरे प्रयास से हुआ, 55 नई ट्रेन मैंने शुरू करवा कर दी, और उसके बाद कई FOBs बने ताकि रेल की जो दुर्घटनाएँ होती हैं दुर्घटनाओं को टाला जा सके। और ये सब करते हुए दहिसर कांदीवली स्टेशन के ऊपर PRS आया और स्टेशन को मॉडल स्टेशन के तहत कैटेगरी में लाया गया, तो रेल कम्यूटर्स के लिए मैंने बहुत फोकस किया। उसके बाद RTO का नया ऑफिस खुलवाने का प्रयास भी मैंने शुरू किया, उसमें कामयाबी मिली, DDR का एक नया ऑफिस आया, पासपोर्ट ऑफिस ऊपर आया। इसके अतिरिक्त जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए एक डीम कन्विंस का नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, जिसके तहत बिल्डिंग की जो सोसाइटी की जो ज़मीन होती है, ज़मीन का मालिकाना हक जो बिल्डर नहीं देता था, उससे उनकी निजात दिलाई गई, और अब ऐसा एक कायदा बनाया गया है कि बगैर बिल्डर के NOC के सोसाइटी के चेयरमैन से लेकर सीधे DDR ऑफिस में जाकर अप्लाई कर सकते हैं और उनको डील करने में सकता। लगभग 400-500 के आसपास ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनको या तो मिल गया या मिलने की प्रक्रिया में हैं, लगभग 2000 सोसाइटीज़ को इस प्रकार की व्यवस्था करके देना। तो ऐसे बहुत सारे काम हुए, अगर मैं गिनती करूँ तो 1000 से ज़्यादा बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम हुए हमारे क्षेत्र में पिछले 5 वर्षों में। आने वाले दिनों में मेरी ये कोशिश होगी कि हर बिल्डिंग को डीम कन्विंस मिले। पिछले 5 सालों में 750 बिल्डिंगों को गैस का कनेक्शन दिलाया, गैस की पाइप गैस आता है। आने वाले दिनों मेरी कोशिश होगी 5 सालों में पूरे नॉर्थ में कोई बिल्डिंग ऐसी न रहे जिसको गैस का कनेक्शन न मिल पाए, सबको मिलेगा। और जो महाड़ा की जो क्लस्टर सोसाइटीज़ होती है वहाँ पर भी महानगर गैस लिमिटेड की गैस का कनेक्शन हमने उपलब्ध करा के दिए। मेरी कोशिश होगी कि चारको गोरई और तमाम जो हमारे महाड़ा की क्लस्टर सोसाइटी है सब जगह गैस का कनेक्शन है। तो बेसिक सुविधाओं के ऊपर जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं उस पर मेरा ज़्यादा ध्यान रहा, ज़्यादा फोकस रहा, और उस हिसाब से कभी ग्रीन बस शुरू करा रहा हूँ, कभी अपना ट्रेन शुरू करा रहा हूँ। ये एक पक्ष हुआ। आने वाले दिनों में जो मुझे काम करना है उसमें एक एक बिल्डिंग का डीम कन्विंस करके दूंगा, एक एक बिल्डिंग का गैस का कनेक्शन करके दूंगा, हर बिल्डिंग को बोरवेल देना है मुझे। इसके अतिरिक्त 2 हाईलाइट कार्यक्रम मिले हैं, एक तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर में अनाउंस करूंगा जो 24 आवर्स सर्विस देगा, और वो सीनियर सिटीजन्स लोगों को इसलिए मुझे वोट करना चाहिए क्योंकि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, हर गरीब का दुख दर्द दूर करने वाला व्यक्ति, चाहे झुपड़पट्टी में रहने वाले लोग हों, या फेरी का धंधा करने वाले लोग, ऑटो चलाने वाले लोग हों, टैक्सी चलाने वाले लोग हों, छोटे छोटे धंधा करने वाले लोग हों, ऐसे तमाम जो गरीब कमजोर हों, हर समाज के आदिवासियों, गुजराती सभी समाज के गरीब लोगों के ऊपर मेरा पूरा ध्यान रहता है। ऐसे गरीब लोगों का काम करने वाला सांसद न पहले कभी था और आगे कभी होगा, और इस नाते लोगों को निश्चित तौर पर मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। 2 मिनट आ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। तो इस नाते चूंकि मैंने लगातार लोगों की सेवा की है और हर छोटे छोटे प्रश्नों को, छोटे छोटे तकलीफों को दूर करके बड़ी बड़ी खुशी देने का प्रयत्न किया, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो जो बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं, झुपड़पट्टियों में रहने वाले लोग, तमाम लोगों को मेरी तरफ से ज़्यादा सुख सुविधा मिले इसके लिए लोग मुझे वोट देंगे। काम करने वाला आदमी दोबारा जीतना चाहिए, जो काम नहीं करते, जो दूसरों का झोपड़ा तोड़वाते हैं, दूसरों की दुकान लूटते हैं, दूसरों की ज़मीन हड़पते हैं, ऐसे लोगों को वोट देने के बजाय मेरे जैसे व्यक्ति को वोट दीजिए जिसने कभी भी किसी की दुकान नहीं तोड़वाई, किसी की झोपड़ा नहीं तोड़वाया, किसी गरीब को तकलीफ नहीं दी, बल्कि सबको सुख देने की कोशिश की। मेरे कार्यालय में अगर कोई निराश आता है तो वो आशावान होकर जाता है, कोई दुखी आता है तो सुखी होकर जाता है, कोई रोता हुआ आता है तो हंसते हुए मेरे कार्यालय से जाता है। तो एक इतना ईजिली एक्सेसिबल और अवेलेबल MP इस कॉन्स्टिट्यूंसी को मिला है, और इसलिए दोबारा लोगों को मुझे मौका देना चाहिए ताकि वो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी बरकरार रहे। मुझे नहीं लगता कि मैंने सार्वजनिक जीवन में किसी प्रकार की कोई गलती की है। मैंने लगातार बहुत अच्छे मन से, पॉजिटिव अप्रोच के साथ, और बहुत ही
सभ्यता के साथ, सौम्यता के साथ, नम्रता के साथ लोगों की सेवा किया है और सेवा का जो ये व्रत है अनवरत जारी रहेगा और सेवा करने में कभी भी किसी प्रकार की कोई चूक नहीं की है मैंने। हाँ, कभी किसी का अगर मैंने दिल दुखाया होगा तो निश्चित तौर पर मैं उसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने बस कोशिश की, चाहे कोई भी व्यक्ति मिले, अगर वो मेरे दरवाजे पर आता है, मेरे से मदद मांगता है, मैं कभी उसको ना नहीं बोलता हूँ। ये मेरा पूरा प्रयास रहता है। अगर किसी को ना बोला होगा तो मेरी गलती है और उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जानबूझकर आज तक किसी को ना मैंने नहीं बोला।